गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट न्यू यूनिट, यूनिट 14, डाटा हैंडलिंग। आज हम नई यूनिट स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है डाटा हैंडलिंग। मैंने आपको यूनिट 13 कराई थी, यूनिट 13 में मैंने आपको एक्सरसाइज 6 तक कराया था, उसके बाद एक्सरसाइज 7 है जो आपको नहीं करनी है, उसको स्किप करा दिया गया है, वो आपको नहीं करनी है। आप उसके बाद 14 यूनिट स्टार्ट करेंगे। देखिए 14 यूनिट में डाटा हैंडलिंग के बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए डाटा, द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल फिगर इन ए सर्वे इज कॉल्ड डाटा। एक सर्वे में कोई इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है न्यूमेरिकल फिगर में, यानी नंबरिंग में कोई इंफॉर्मेशन कलेक्ट की गई है तो उसे हम कहते हैं डाटा। अब उस डाटा को रिप्रेजेंट करने के यहाँ पे 3 मेथड्स बताए हुए हैं। हम 3 तरीके से डाटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए टेबुलर फॉर्म, ये टेबुलर फॉर्म है, टेबुलर फॉर्म में आप अपने डाटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सेकंड होता है आपका पिक्टोग्राफ, पिक्टोग्राफ में रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप। देखिए पिक्टोग्राफ ये होता है, इसमें पिक्चर के थ्रू डाटा को रिप्रेजेंट किया जाता है, यहाँ पे पिक्चर्स बना के डाटा को रिप्रेजेंट किया जाता है। टेबुलर फॉर्म में टेबल बना के किया जाता है। और नेक्स्ट होता है आपका बार ग्राफ, बार ग्राफ होता है, इसमें डाटा को बार ग्राफ बना के रिप्रेजेंट किया जाता है। देखिए ये बार ग्राफ है, इसे बोला जाता है बार ग्राफ। हम एक्सरसाइज फर्स्ट करेंगे। देखिए एक्सरसाइज फर्स्ट में ए सर्वे वॉज कंडक्टेड अमॉन्ग ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स अबाउट द सब्जेक्ट दे लाइक मोस्ट। यहाँ पे आपको पिक्टोग्राफ पहले से ही बना हुआ दिया हुआ है। आपको यहाँ पे एक सर्वे के दौरान पता किया गया कि यहाँ पे कितने स्टूडेंट्स सब्जेक्ट को लाइक करते हैं, कि इंग्लिश कितने स्टूडेंट्स को पसंद है, मैथ्स कितने स्टूडेंट्स को पसंद है। तो यहाँ पे रीड द पिक्टोग्राफ, आपको इस पिक्टोग्राफ को रीड करना है अच्छे से एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, और फिर आपको क्वेश्चन के आंसर देने हैं। यहाँ पे देखिए पिक्टोग्राफ के नीचे एक शो है कि 1 पिक्चर में 5 स्टूडेंट्स हैं, तो आपको इस बात का ध्यान रखकर इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं कि जब यहाँ पे 1 पिक्चर में 5 स्टूडेंट्स हैं तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 पिक्चर्स बनी हुई हैं, तो 1 बुक में 5 स्टूडेंट्स हैं तो 7 बुक्स में 7, 5 जो 35 स्टूडेंट्स हैं, तो आपको इसका ध्यान रखना है। फिर आपको क्वेश्चन के आंसर देने हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे स्टूडेंट्स ही लिख लेते हैं काउंट करके, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो 7, 5 जो 35 होता है, तो यहाँ पे कितने स्टूडेंट हैं, 35। नेक्स्ट देखिए मैथ्स कितने स्टूडेंट्स को पसंद है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 5 जो 50, तो यहाँ पे हम 50 लिख देते हैं। नेक्स्ट है ईवीएस, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 5 जो 30 होता है, तो यहाँ पे हम 30। नेक्स्ट है 1, 2, 3, 3, 5 जो 15, तो यहाँ पे 15। ऐसे करने से हम इन क्वेश्चंस के जो आंसर्स दे सकते हैं, थोड़ा इजी पड़ेगा हमारे लिए। अब देखिए विच सब्जेक्ट इज़ लाइक्ड मोस्ट, सब्जेक्ट पूछा है कि कौन सा सब्जेक्ट है जो सबसे ज़्यादा अधिक पसंद किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा स्टूडेंट किस में है, मैथ्स में, तो सब कौन सा सब्जेक्ट है वो मैथ्स है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे मैथ्स। आपको ये जो क्वेश्चंस हैं मैथ्स के रजिस्टर में नहीं करने हैं, आपको फर्स्ट क्वेश्चन एंड सेकंड क्वेश्चन आपको मैथ्स की बुक में करना है। सेकंड है हाउ मैनी स्टूडेंट्स लाइक ईवीएस, कितने स्टूडेंट्स हैं, कितने विद्यार्थी हैं जिन्हें ईवीएस पसंद है, तो ईवीएस 30 स्टूडेंट्स को पसंद है, तो हम यहाँ पे 30 लिखेंगे। यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं पूछा है, यहाँ पे स्टूडेंट्स के नंबर्स पूछे, यानी स्टूडेंट्स की संख्या पूछी है। नेक्स्ट देखिए व्हाट इज़ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक इंग्लिश, उन विद्यार्थियों की संख्या कितनी है जिन्हें इंग्लिश पसंद है, तो इंग्लिश 35 स्टूडेंट्स को पसंद है, तो हम यहाँ पे 35 लिखेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट एंड लास्ट इज व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु टुक द सर्वे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताइए जिनका सर्वे लिया गया, तो इनको हमें प्लस करना पड़ेगा, 35, 50, 30, 15, इन सबको हम प्लस करेंगे और यहाँ पर हम टोटल नंबर्स लिखेंगे। यहाँ पे टोटल हमने किया तो यहाँ पे 130 आया, तो टोटल स्टूडेंट्स हैं 130। तो इस तरीके से करने हैं ये क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया है, सेकंड क्वेश्चन आपको करना है। सेकंड क्वेश्चन में आपको वॉच यानी कि क्लॉक दी हुई है, क्लॉक्स हैं यहाँ पे काफ़ी सारी, जो यहाँ पे ये बताया हुआ है कि मंडे को इतनी क्लॉक्स को बेचा गया, ट्यूसडे को इतनी, और यहाँ पर 1 क्लॉक में
टू क्लॉक्स हैं, तो आपको इस अकॉर्डिंग देखकर आपको क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। यहाँ पे भी आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं और उनके आपको आंसर्स देने हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अबाउट इज डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोग्राम्स दैट चिल्ड्रन वॉच ऑन टेलीविज़न दीज डेज। यहाँ पे आपको कुछ प्रोग्राम के नाम दिए हुए हैं और चिल्ड्रन के भी नंबर्स दिए हुए हैं कि कौन सा प्रोग्राम कितने बच्चे देखते हैं। तो यहाँ पे ड्रॉ ए पिक्टोग्राफ, आपको एक पिक्टोग्राफ ड्रॉ करना है और रिप्रेजेंट करना है इस इंफॉर्मेशन को। और यहाँ पे आपको पिक्टोग्राफ में इस सिंबल का यूज़ करना है या इस पिक्चर का यूज़ करना है जिसमें वन पिक्चर में 5 चिल्ड्रन हैं, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग पिक्चर्स बनानी है एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन। और नीचे आपको कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, उनका आंसर्स देना है। यहाँ पे देखिए प्रोग्राम हैं, कार्टून्स हैं, स्पोर्ट्स, न्यूज़, सीरियल्स, मूवीज़ एंड नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन कार्टून्स 50 स्टूडेंट्स हैं जो वॉच करते हैं कार्टून्स को, 50 चिल्ड्रन करते हैं। स्पोर्ट्स 45 चिल्ड्रन करते हैं, न्यूज़ 25 चिल्ड्रन, सीरियल 30 चिल्ड्रन करते हैं, मूवीज़ 40 चिल्ड्रन। तो अब यहाँ पे देखिए, जब हमें वन पिक्चर में 5 चिल्ड्रन हैं तो 50 के लिए हमें कितनी पिक्चर्स बनानी पड़ेंगी, तो हम डिवाइड करके देखते हैं। 5 के टेबल में 50 10 टाइम्स में आता है, तो हमें 10 पिक्चर बनानी है। यहाँ पे देखिए, आपको पिक्टोग्राफ ऐसे बनाना है स्केल की हेल्प से। यहाँ पे प्रोग्राम के आप नाम लिखेंगे और यहाँ पे नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन। यहाँ पे देखिए कार्टून 50 चिल्ड्रन देखते हैं, तो यहाँ पे 50 वन पिक्चर में जब 5 चिल्ड्रन है तो 50 चिल्ड्रन शो करने के लिए हमें 10 पिक्चर बनानी है। तो 10 पिक्चर्स बनाएंगे हम, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सेकेंड है स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स 45 चिल्ड्रन देखते हैं, तो हम डिवाइड करेंगे 45 को 5 से, तो 9 आएगा, तो यहाँ पे हमें 9 पिक्चर्स बनानी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इसी तरीके से आपको न्यूज़ में बनानी है, सीरियल्स में एंड मूवीज़ में। मैंने यहाँ पे बना दी है, तो आपको इस क्वेश्चन को समझना है, फिर अपने आप ही करना है। जो आप पिक्चर बनाएंगे इक्वल साइज़ की होनी चाहिए, गंदी पिक्चर्स नहीं बनानी है आपको, बिल्कुल क्लियर फेस दिखाई देना चाहिए, अच्छे से बनाना है। अब हम क्वेश्चंस के आंसर देंगे। यहाँ पे देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, विच काइंड ऑफ प्रोग्राम इज़ मोस्ट पॉपुलर। मोस्ट मतलब सबसे ज़्यादा पॉपुलर प्रोग्राम कौन सा है, जैसे सबसे ज़्यादा बच्चे देखते हैं, तो सबसे ज़्यादा चिल्ड्रन किस में है, कार्टून्स में, तो सबसे मोस्ट पॉपुलर प्रोग्राम है कार्टून्स, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कार्टून्स। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन के लिए स्पेस छोड़ा हुआ है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन लिखना है और फिर आंसर लिखना है। सेकंड क्वेश्चन है, विच काइंड ऑफ प्रोग्राम इज़ मोर पॉपुलर। कौन सा प्रोग्राम मोर पॉपुलर है स्पोर्ट्स में से एंड मूवीज़ में से, इन दोनों में से बताना है हमें। तो स्पोर्ट्स 45 चिल्ड्रन वॉच करते हैं स्पोर्ट्स को, और मूवीज़ को 40, तो ज़्यादा है स्पोर्ट्स में, तो स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स इज मोर पॉपुलर, स्पोर्ट्स। नेक्स्ट है, हाउ मेनी चिल्ड्रन वॉच द न्यूज़। न्यूज़ कितने बच्चे देखते हैं, तो न्यूज़ 25 स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 25 स्टूडेंट्स। थर्ड क्वेश्चन को आपको मैथ्स के रजिस्टर में करना है, एक्सरसाइज मेंशन करनी है और क्वेश्चन नंबर 3 डालना है। और जिस तरीके से यहाँ पे ये क्वेश्चन है कंप्लीट, आपको अपनी मैथ्स के रजिस्टर में लिखना है, हेडिंग लिखनी है, यहाँ पे ये हेडिंग DVSA भी लिखना है, टेबल भी बनानी है आपको, और फिर आपको पिक्टोग्राफ बनाना है, फिर एक क्वेश्चन लिखना है, फिर उसका आंसर देना है, फिर सेकेंड क्वेश्चन, फिर उसका आंसर, फिर थर्ड क्वेश्चन, फिर उसका आंसर। ओके, थैंक यू।